दोस्तों, आप सऊदी अरब, कतर, दुबई यहाँ काम कर रहे हो और आपको गूगल पे चलाना है। बहुत सारे वीडियोस देख लें, यूट्यूब पर सब कुछ देख लें, फिर भी अपना काम नहीं बन रहा है। अब क्या करें? लगता है गूगल पे बनने वाला ही नहीं है। कोई बहुत से वीडियो बोलते हैं कि भी इंडिया का वीपीएन डाउनलोड करो, कोई कहता है ये करो वो करो, ऐसी सेटिंग करो वैसी सेटिंग करो, फिर भी आपने सब कुछ ट्राई कर दिया, फिर भी आपका गूगल पे नहीं बन रहा है या फिर फोन पे नहीं बन रहा है। तो इसका जवाब है बनता है या नहीं। इस सवाल का जवाब है जी हाँ, बिल्कुल बनता है। मैंने खुद ट्राई किया और मैंने पैसे भी सेंड किए गूगल पे से, और मैंने टेस्ट भी कर लिया उसका कि सच में पैसे ट्रांसफर होते हैं या नहीं। तो इसीलिए मैं आपको पूरी बात बताना चाहता हूँ। आप वीडियो को पूरा देखें और समझें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, आपके पास कोई बुक होगा तो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको याद भी नहीं होगा। सबसे पहले आपके फोन में वह सिम कार्ड होना चाहिए जो आपने बैंक में दिया है। बैंक अकाउंट से जो आपका फोन नंबर लिंक है, वही फोन नंबर का सिम आपके फोन में होना चाहिए। दूसरी बात, आपके फोन में जो ईमेल आईडी है, गूगल में, प्ले स्टोर में, ईमेल में जो ईमेल आईडी है, वो इंडिया की ही ईमेल आईडी होनी चाहिए। वरना एप्लीकेशन गूगल पे या फोन पे, ये जो एप्लीकेशन जो है वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं होंगे जब तक आप ईमेल आईडी जो है इंडिया वाला अपने मोबाइल में ना डाले। तीसरी बात दोस्तों, आपके मोबाइल में जैसे आपका वोडाफोन सिम हो गया, तो आपको 1,000 और 2,000 के पैकेज लेने की ज़रूरत नहीं है। बस हर महीना आप किसी से कहो वहाँ पर कि गूगल पे से मेरे नंबर पर 99 रुपीज़ का रिचार्ज करें। सिर्फ 99 रुपीज़। आपको कोई 1,000 2,000 का पैकेज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें कोई फ़ोन नहीं चलाना या फिर हमें कोई इंटरनेट नहीं चलाना होता है उस सिम पर। हमें सिर्फ चाहिए है कि अपना बैंक का ओटीपी आए, और हमें उस सिम से कुछ लेना नहीं होता जब तक हम यहाँ गल्फ में काम कर रहे हैं। जब आप इंडिया जाते हैं तब आपको इस सिम की ज़रूरत पड़ती है कॉलिंग करने के लिए, इंटरनेट के लिए। लेकिन जब तक आप गल्फ कंट्री में काम कर रहे हो तब तक आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ सकती। सिर्फ आपको ओटीपी के लिए वो सिम चालू होना चाहिए। तो इसीलिए किसी भी अपने दोस्त से कहें कि 99 रुपीज़ का गूगल पे से रिचार्ज करें। ठीक है दोस्तों, जैसे आपका फ़ोन रिचार्ज हो गया, आपको गूगल पे इंस्टॉल कर लेना चाहिए या फिर आपके मोबाइल में पहले से ही होगा। आप उस नंबर से रजिस्टर करें, ठीक है। आपका लोकेशन ऑन होना चाहिए, ठीक है। लोकेशन से कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही आपको कोई वीपीएन डाउनलोड करने की ज़रूरत है, ना ही कुछ और। बस आपके मोबाइल में ईमेल आईडी जो आपने इंडिया में बनाई थी, इंडिया के नंबर से, वो ईमेल आईडी होनी चाहिए। और दूसरी बात, आपके फ़ोन में वो इंडिया वाला ही सिम होना चाहिए। जैसे ही आपने गूगल पे के लिए रजिस्टर किया, आपको ओटीपी आएगी। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे बता सकता हूँ कि मेरा जो गूगल पे है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, मैं यहाँ पर स्क्रीन पे डाल दूँगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल भी अब घबराने की कोई बात नहीं है। गूगल पे यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से चलता है। आप इधर उधर की बातों में ना आइए, इस ये वीपीएन करो, सेटिंग करो, प्ले स्टोर में ये सेटिंग करो, इंडिया वाला सेटिंग करो, वो करो, नहीं, बिल्कुल कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस सिम कार्ड अपना इंडिया वाला होना चाहिए और ईमेल आईडी इंडिया वाली होनी चाहिए, और कुछ भी ज़रूरत नहीं। हाँ, हो सके तो आपके मोबाइल में कोई एप्लीकेशन होगा जो लैंग्वेज ट्रांसलेट करता है। अगर वो दिक्कत देने लगे आपको लॉगिन होने में, तो वो एप्लीकेशन को जो लैंग्वेज चेंज करता है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, ये, तो वो एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कीजिएगा। क्योंकि कुछ कुछ मोबाइल में वो जो एप्लीकेशन होता है वो बैंक के लिए
थोड़ा रिस्की बन जाता है, इसीलिए तो आपको वो एप्लीकेशन अगर वहाँ पर दिक्कत देने लगे लोगों को तो आप एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दें। ठीक है दोस्तों, बस इतनी सी बात है और कोई नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए, मैं आपको तरीके से बता दूंगा कि आपको कैसे गूगल पे स्टार्ट करना है अपने फ़ोन में सऊदी, कतर या दुबई में रहते हुए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना, आपका कोई भी मसला हो तो कमेंट ज़रूर करना, उस पर हम वीडियो बनाकर आपको बता दिया करेंगे। शुक्रिया। जाते जाते एक ही बात, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।